बोकारो के 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती चालू है। कुल 8 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन पर्चा भरा था, जिसमें से 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर मंत्री पुत्र राजू महतो उर्फ अखिलेश महतो से चुनाव को लेकर बातचीत के दौरान जीत के प्रति अस्वस्थ दिखे तथा उन्होंने कहा कि कोई नहीं है टक्कर में, हमारी जीत निश्चित है। हमारे पिता इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, इसीलिए मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो हम लोग को दुख है, जनता भली भांति समझ रही है, जनता के भी बहुत दुख है, पूरा झारखंड का लोग इस पर मरमाहत है, पूरा जनता हमारे साथ खड़ी है। जब हर तरफ हम जाए, हमारी माता जी जाए, अब देखे हुए क्या, जहाँ भी बैठे हैं लगभग तुरंत 100 लोग उपस्थित होते हैं और सबको एक स्वर में बोल रहे हैं एक ही बार, इस बार बेबी देवी के जीत निश्चित है। अभी आप डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं, अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के जो हम लोग का कार्यशैली रहा है काम करने का जनता के प्रति, हम लोग अपने पिताजी के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्होंने जैसे दिखाया सिखाया है वही रास्ते पे कर रहे हैं, तो हम लोग जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिल रहा है। जैसे कि आपके पिताजी के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम है जो अधूरे रह गए, उसको लेकर क्या जनता के पास आप जा रहे हैं? जो अधूरे वो तो जाना ही है, क्योंकि मेरे पिताजी का नींव रखा हुआ चीज हम लोग को पूरा कम्प्लीट करना है, यही हम लोग तो बात रख रहे हैं। जैसा कि अभी आपका प्रतिद्वंदी जो है काफी मजबूत दिख रहा है, ऐसे अवस्था में उसे कैसे निपटिएगा? कहीं कोई मजबूत नहीं है, हम इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, 8 तारीख को पता चलेगा कौन मजबूत है कौन कमजोर है।